मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पे। का पूरा जो शो आज का आपने देखा और उस दिन का पूरा लाइव होगा, उसमें मतलब इससे लेके कुछ फिक्सअप या कुछ प्लांट नहीं होगा, राइट ना? तो वो लाइव होगा, ऐसा नहीं कि जो आयोजक होते हैं वो जज के कान में जाके कुछ बोलते हैं कि नहीं 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 इनको चुनना, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइव होगा, जो एक्चुअल डिजर्व करता है मिस्टर के लिए या मिसेस के लिए उन्हीं को चुना जाएगा, या रनर फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप या जो भी टाइटल के लिए जो भी टाइटल हमारे पास है वो अगर डिजर्व करता है तो ही उसको मिलेगा। अदरवाइज वहाँ फिक्सिंग या इस तरीके का कुछ नहीं होगा, वो ऑन रिकॉर्ड होगा, ऑन कैमरा होगा, ताकि और वो फ्लैश भी होगा तो लोग देख भी पाएंगे कि कुछ ऐसा अंडर टेबल तो नहीं चलना। मेरा मकसद इसके पीछे ये केवल यही है, पत्रकार होने के नाते जो ये जो सिस्टम लोगों ने बना रखा है, लोगों का शोषण करना, लोगों को बरगलाना, लोगों को फैशन के नाम पे तरह तरह अंडर टेबल से बहुत कुछ चलता है, उसको ध्वस्त करना, उसको तोड़ना, यही मेरा मकसद है इसके पीछे। आने वाले दिनों में सीजन 2 सीजन 3 सीजन 4 हमारा इसी तरीके से चलेगा। हम किसी से 4 आना नहीं लेने वाले हैं, उनको रियल प्लेटफॉर्म देने का हमारा इरादा है। जैसे मेक इन इंडिया इस सब चल रहे हैं, उसी में हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम यूथ को कुछ दे पाए। जी सर, आप साहिल जी, बिल्कुल। देखिए, मेरा जो है सर ने बताया कि मैं इस शो का शो डायरेक्टर हूँ, पूरा शो ग्रूमिंग एंड कोरियोग्राफी सब हमारी साइड से हो रहा है। और जैसे आपने पूछा था कि रियलिटी क्यों है, ये फैशन का रियलिटी क्यों है, रियलिटी मतलब फैशन शोज़ को हमें कैसे प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे आप घर देख सकते हो, इस बिकम लाइक अ रियलिटी शो, सो इसलिए इसको रियलिटी दिया गया है। और सर का जो ये कॉन्सेप्ट है, सो ये कॉन्सेप्ट कुछ यूनिक है मार्केट में, बिकॉज मैं अभी तक मैंने 39 फैशन शो एज अ कोरियोग्राफर काम कर चुका हूँ। आई गॉट अ नॉमिनेट ऑफ यंगस्टर इंटरनेशनल कोरियोग्राफर, जो मुझे अभी अवार्ड भी मिले उसके लिए। लेकिन मेरा सर से जब भी मेरे से मिले और सर के जब डिस्कशन हुआ तो मुझे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगा कि इस बिकम अ रियलिटी, तो ये मीनिंग क्या है रियलिटी। तो फिर मुझे पता चला कि दिस शो इज़ गोइंग ऑन द लाइव लाइक अ रियलिटी शो। सो कुछ न्यू कॉन्सेप्ट मार्केट में आ रहा है। और सर ने जैसे बताया कि 500 प्लस लोग अभी आ चुके हैं और भी लोग आ रहे हैं, वेटिंग में हैं। सो बस मुझे इतना ही कहना था कि ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ मार्केट में कुछ यूनिक आ रहा है। सो इससे सर जैसे बोले कि देयर इज नो नथिंग अमाउंट, नो फिक्सिंग एंड ऑल, सो ये जो चीज़ें हैं कि एक अलग नज़रिए से लेके जा रहा फैशन को और हम लोगों को चांस दे रहे हैं। सो मुझे सर के साथ जुड़ के कुछ यूनिक सी मिल रहा है, तो इसलिए मैं सर के साथ जुड़ा हूँ। और आई वॉन्ट कि सीज़न 1 हो 2 हो 3 हो 8 हो और ये चीज़ें चलते रहे, लोग सर के थ्रू मार्केट में आते रहे और हम कुछ नया प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड कर सकें। आप ऑडिशन के दौरान काफ़ी देर तक बैठे रहे और कई लड़की है और कई मॉडल्स हैं, आपको दिखा, आपको कैसा एहसास हुआ, क्या लगा आपको उस ऑडिशन के थ्रू जितने? देखिए, मॉडल्स को जैसे लोग बोलते हैं कि आप अगर आप ऑडिशन देने आते हो तो डजंट मीन आप परफेक्ट मॉडल ही होना चाहिए। हम मॉडल में से 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उनका कॉन्फिडेंस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रूमिंग कोरियोग्राफी वो तो सब सिखा दिया जाता है, लेकिन अगर आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि मॉडलिंग एक कॉन्सेप्ट है कि आप खुद को नहीं किसी और को प्रेजेंट करते हो, तो अगर किसी डिज़ाइनर्स की क्लॉथ को आप प्रेजेंट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हम देखते हैं। सेकेंड चीज़ें देखते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कि आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं, उस चीज़ों पे। और जैसे मैंने किया कि काफ़ी अच्छे मॉडल्स आए, कुछ वेल नोन बॉलीवुड फेस भी आए हमारे पास एज अ ऑडिशन के लिए, तो बस मुझे यही चाहिए कि यहाँ से मैंने कुछ यूनिक चीज़ें सीखा। और मैंने उन लोगों को जो सिलेक्ट किया है वो उनके बेसिस टैलेंट और एटीट्यूड प्लस उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर से किया हुआ है। बाकी रिजल्ट हम जल्द अनाउंस करेंगे और हम टॉप 12 टॉप 15 जो भी हम अनाउंस करेंगे हम उनको बता देंगे। क्या मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में अच्छे मॉडल्स निकल के सामने? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सर का कॉन्सेप्ट है ये जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा खुद का 2 वेब सीरीज आ रहा है, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, सो यहाँ पे जो सिलेक्ट हुए भी हैं और जो नहीं भी हुए हैं हम वो सारे कॉन्टेक्ट रखेंगे। और हमारे पास कुछ भी आता है सो हम पहले उनको ही प्रीफर करेंगे, डिगिंग ऑफ द मार्केट, कुछ और जाके लोगों को ढूंढो, बेस्ट है कि जो हमारे पास है उनको प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि वो 10 को बोलेंगे वो 1000 को बोलेंगे, 1000 तो 5000 होगा और ये चीज़ें चलता रहेगा। जी जरूर, मेरा नाम है परिणीता
मतलब पर मोरा से मेरा लाइक जो नाता है वो सबसे सबसे तेज जी ने इसका डिस्कशन स्टार्ट किया एंड हम लोग एक इवेंट कर रहे थे, हम लोग इवेंट करते रहते हैं एंड देन ही इज़ लाइक कि मैं कुछ करना चाहता हूँ जहाँ पर लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर बहुत सारे लोग रोज़ाना बॉम्बे आते हैं सिर्फ और सिर्फ ये सोच कर कि एक चांस मिल जाए हम कुछ बता सकें लोगों को, अपने फैमिली वालों को या फिर अपने फ्रेंड्स को कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है एंड तो यही एक उनकी सोच थी कि हम कुछ ऐसा करते हैं फ्रेशर्स के लिए जो कि एटलीस्ट कहीं पर आज से इस शो का हिस्सा बनने के बाद बता सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं एंड ये प्लेटफॉर्म इसलिए उन्हें दे रहे हैं कि ये तो जो स्टार्ट है इसके बाद जैसे शायद बताया कि उनकी दो वेब सीरीज हैं, सचिन जी के म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं वो नेक्स्ट मंथ से प्लान कर रहे हैं एंड हम सबका यही मानना है कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जितना भी टैलेंट आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ से स्टार्ट कर कर हम उन्हें आगे भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहें। दैट इज़ व्हाट वी आर लाइक लुकिंग फॉर नाउ। सचिन जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएँ कि इसका खासा योगदान है और फिल्मोरा से मेरा बहुत ही अच्छा लगाव है, घर के रिश्ते की तरह है। जितनी भी मैं फिल्म करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ, वहाँ ही भाई एक फ़ोन पर आते हैं पूरी टीम के साथ, मीडिया की टीम के साथ। तो सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत योगदान इनका हमारे साथ रहता है। तो उसी तरीके से फिल्मोरा को जो इन्होंने जो डिस्कस किए अभी 15-20 दिन पहले, उस दिन से लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि हम साथ में सब हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। और मैं हूँ डायरेक्टर, हिंदी फिल्म करता हूँ, भोजपुरी भी किया हूँ मैं और हिंदी में काफ़ी मैंने बड़ी फिल्म मैंने बनाई थी। तो जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे, जो मॉडल्स यहाँ से जो विनर होंगे, उनको मैं 110% उनको एग्रीमेंट में ये करके रखूँगा अपने पर्सनल कि मैं मेरे अपने फिल्मों में, अपने वेब सीरीज में, प्राइम फिक्सा में कर रहा हूँ, वहाँ भी बच्चों को मैं खड़ा करूँगा। आगे आप इस शो को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोगों ने जो उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा क्राउड आएगा, मतलब थक गए हम लोग ऑडिशन लेते 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 लेते। तो अभी तक भी अच्छे मॉडल्स सब खड़े आएंगे हमारे सामने, तो कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम ऑडिशन करेंगे, 8 हफ्ते तक नहीं हमारा है। बट इतना अच्छा अभी सीजन फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से हर बच्चे जो भी आ रहा है छोटे से बड़े तक, क्योंकि एक सपना जब लेकर मुंबई कोई भी 400-500 हज़ार रुपये लेके भागता है ना, तो वो सिर्फ स्टार बनने के लिए आता है। तो लेकिन क्या होता है कि उनके जो जुनून होता है ना, जो उनके अंदर की जो आग भड़कती है ना, वो सबके बस की बात नहीं होती, सब नहीं समझ पाते। उसके पहले पहले यहाँ तक दिया जाता है शो के नाम पर, इवेंट्स के नाम पर और फिल्मों के नाम पर पैसे खाते हैं हर जगह, एक्टिंग के नाम पर। आज की तारीख में 6.5-6 लाख रुपये लड़के भरने के बाद आते हैं हमारे सामने, इंट्रोडक्शन अपने नहीं पाते हैं। वो बेचारो वो चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अपने शो के माध्यम से ग्रूम करके, उनको एक प्लेटफॉर्म दे करके, मीडिया से जिस तरह से आज हम मीडिया बाइट कर रहे हैं, उन बच्चे जितने भी, जितने मुंबई के अखबार हैं, जितने भी चैनल हैं, वो सारी चीज़ हम स्टार जब तीनों निकलेंगे जिस दिन, उस दिन हम पूरा बूम करेंगे। एक्चुअली मैंने आज तक इंडस्ट्री में 4 स्टार दिए हैं, मैंने लड़कियों को स्टार बने हैं, मेरी स्टूडेंट, मेरी भी अकेडमी है, मेरी स्टूडेंट 4-4 स्टार मैंने दिया है, जिसमें एक अर्शी खान भी बिग बॉस वाली जो थी मेरी स्टूडेंट है। तो मोस्टली मैं इस फिल्मोरा के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट खुद का है भाई ने, मतलब इनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा इनको लेकर मैं एक्साइटेड हूँ कि ये बंदे ने अपने दम पर अकेले बोले, सचिन भाई यार करना चाहता हूँ। कि जो बच्चे आते हैं, हम लोग जाते हैं मीडिया, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं या कहीं मिलते हैं, तो अच्छे अच्छे घर के बच्चे, बड़े पैसे वाले घर के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे आ करके रोड पर 6 रुपये की चाय कटिंग पीते हैं। तो उन बच्चों को हेल्प पर ले जाने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसमें सपोर्ट करिए। तो अब वो जो उनको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि उनको भी मैंने इनवाइट, मतलब एक भेजा है कि आप आइएगा, तो सब बहाना करती है कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ शो कर। बट उनको एक नए स्टार हम जब देंगे, तब उनको समझ में आएगी चीज़ें। तो वो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एज ए फ्रेंड, कि हम
किस माध्यम से, फिल्मोरा के माध्यम से किस लेवल तक लेके जाएंगे। सर आखिरी दो दो वर्ड के मैं तो यही बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि फिल्मोरा ये पहला सीजन है और फिल्मोरा न्यूज चैनल है और न्यूज चैनल ने इतनी बड़ी हिम्मत करके जो है स्टार्ट किया है, छोटे से लेकर बड़े कलाकार से लेकर सारे लोग आए और जो प्रेशर होंगे उनको मोस्ट वेलकम है, उनको ग्रूम करेंगे हम लोग, तैयार करके उनको प्लेटफॉर्म देंगे और उनको मीडिया से लेकर के हर तरीके से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रमोट करेंगे। अखिलेश जी आपसे दो शब्द जानना चाहेंगे, लास्ट। अच्छा हाँ, ये जानना चाहेंगे मैं, ये बस मेरा आखिरी यही है कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये आज ये सिलसिला शुरू हुआ है, आज ये पहला दिन था, पहला सीजन था। आपने देखा जिस प्रकार से कहते हैं ना कि अगर आदमी में गर्स्ट हो और ऊपर वाला उसके साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आज यहाँ ऊपर वाला मेरे साथ था, 500 से ज़्यादा लोग आए, कोई मुझे नहीं जानता था लेकिन केवल उनको पता है कि हाँ ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है इसलिए यहाँ पे आए। और ये तो ये शुरुआत है, बॉम्बे से हमने शुरुआत की है, देश के कोने कोने गांव गांव तक हम जाएंगे और जो डिजर्व करता है उसको भी प्लेटफॉर्म देंगे भविष्य में। रह गई एक और बात, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि तमाम जो पार्टिसिपेट आज आए थे उनके मन में कहीं ना कहीं वो ये अपना ऑडिशन देने से पहले बाहर ही पूछ रहे थे कि कोई चार्ज तो नहीं है, कोई फीस तो नहीं है, कोई ग्रूमिंग का फीस तो नहीं है, या कोई आप जब फाइनलिस्ट करेंगे तब तो कोई फीस नहीं देंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चवन्नी नहीं लूँगा, वो चाहे जिसका हो, पूरा शो टोटली फ्री है। अभी भी जो नहीं आ सके हैं वो हमारे से जुड़े, सीजन टू हम बहुत जल्द करने वाले हैं और चार आना नहीं लूँगा किसी से, ये मेरा वादा है। और मेरा मकसद ये है, आज पत्रकार होने का मेरा मकसद है कि लोगों को प्लेटफॉर्म देना, लोगों को कुछ न कुछ हो सके, जो समाज ने हमको दिया है, बहुत कुछ दिया है समाज ने, कुछ रिटर्न कर सके उनको, बस यही आज ये शुरुआत है। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, आगे हम ऐसे ही कुछ अच्छा अच्छा लेकर आप लोगों के लिए आपको बीच में आते रहेंगे और निराश नहीं करेंगे, ये वादा है हमारा। धन्यवाद अखिल जी, और आपके टीम का आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो फिल्म होगा जाए। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ अली अब्बास, तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर।